आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी स्टफ्ड बेसन चीला। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ी सब्जियाँ ले लेनी है और उसको कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ 2 शिमला मिर्च को बारीक कट कर लिया है और यहाँ पे मैंने 1 प्याज लिया था बड़े साइज़ का, उसको मैंने लंबाई में कट करा है और थोड़ी सी मैंने पत्ता गोभी को भी कट कर लिया है। आपको आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हैं, आपको जो भी पसंद है उसमें स्टफ़ करना, आप वो ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पनीर लिया है, उसको मैं इस तरीके से हाथों से ही क्रम्बल कर रही हूँ। तो इस तरीके से अगर आप स्टफ़ करेंगे चीले में तो पनीर का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप पनीर को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से क्रम्बल कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और उसमें मैं 2 कप बेसन ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये 2 कप बेसन ले लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करना। उसके बाद यहाँ 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच यहाँ मैंने हल्दी पाउडर ऐड करा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच अजवाइन ऐड करी है। अजवाइन एक अनादर हेल्दी ऑप्शन है क्योंकि ठंड है और अजवाइन जो है वो गर्म भी होती है, तो एक अच्छा फ्लेवर भी ये आपके चीले में ऐड कर देगी। अगर आपको ऐड करना है अजवाइन तो ऐड करिए, अदरवाइज आप इसके बिना बना सकते हैं। उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे आपको पानी लेना है और पानी आपको धीरे धीरे इसमें ऐड करना है, और विस्कर से मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी स्पैचुला या स्पून से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। और एक इसका बैटर आपको तैयार करना है। बैटर आपको ज़्यादा गाढ़ा नहीं तैयार करना है और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, जैसे आप डोसे का बैटर रखते हैं बस उसी तरीके से इसका भी बैटर आपको बनाना है। तो धीरे धीरे पानी ऐड करिए और उसको मिक्स करते जाइए। और यहाँ पे मैंने हींग ऐड करना मैं भूल गई थी, तो आप हींग ज़रूर इसमें ऐड करिएगा, ज़्यादा नहीं, 1/4 चम्मच इसमें हींग ज़रूर ऐड करना। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कटा हुआ, बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है। धनिया से बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है, तो धनिया भी आप ज़रूर ऐड करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो बेसन का जो बैटर है ये बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। थिकनेस आप देख ही सकते हैं, बस आपको इसी तरीके से तैयार करना है। अब मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक तवा लिया है, उस पर मैंने हल्का हल्का सा ऑयल को ब्रश कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लैडल फुल यहाँ बैटर ले रही हूँ और इसमें मैं धीरे धीरे इस तरीके से गोल गोल करके इसको स्प्रेड कर रही हूँ, जैसे हम डोसा बनाते हैं बस उसी तरीके से आपको इसको भी बना लेना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटा चाहिए तो आप उस तरीके से इसको स्प्रेड करें, और बहुत ज़्यादा पतला चाहिए है तो आप उस तरीके से इसको स्प्रेड कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से इसको स्प्रेड कर दिया है, और यहाँ पे गैस आपको मीडियम हाई पे रखनी है ताकि ये अच्छे से ब्राउन भी हो जाए और अंदर से पक भी जाए। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये ऊपर से सूखना, मतलब जो गीला बैटर था वो सूखना शुरू हो गया है। सो अब मैं यहाँ पे ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा सा ऑयल को ब्रश कर दूँगी। सो अब मैंने यहाँ पे इसको पलट लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा एक ब्राउन कलर आ गया है और ये अच्छे से पक भी गया है। तो बेसन का चीला हम बना रहे हैं तो इसको हम दोनों साइड से पकाएंगे। अगर हम डोसा बनाते तो हम इसे एक साइड से ही पका लेते क्योंकि दूसरी साइड से वो अपने आप ही पक जाता है। सो यहाँ पे ये मैंने इसको दोबारा से फ्लिप कर दिया है और अब मैं यहाँ पे स्टफिंग इसमें स्टफ़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पनीर इसमें ऐड कर दिया है, और अब मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा वेजिटेबल्स जो मैंने लिया है, जैसे शिमला मिर्च है, प्याज है, पत्ता गोभी है, उसको मैं हल्का हल्का सा इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च को भी बारीक काट के ऐड कर सकते हैं, और हल्का सा आप इसके ऊपर नमक या काली मिर्च भी इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो चीला है वो अपने में ऑलरेडी इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल है कि आपको स्टफिंग में कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत है ही नहीं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो चीला है ये बनके एक तो तैयार हो ही गया है, और इसी तरीके से मैं दूसरा भी बना के तैयार कर लूँगी। सो गाइज, यहाँ पे हमारा बेसन का चीला विथ स्टफिंग बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए, और ठंड है तो ठंड में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा। सब्जियाँ भी काफ़ी तरीके से आ रही हैं क्योंकि ठंड आ गई, और ठंड में तो हरी सब्जियों का तो सीज़न होता ही है। तो आप ये चीला ज़रूर बनाइएगा,
और ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इसको आप किसी भी चटनी के साथ इसको खा सकते हैं। सो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।